नमस्कार साथियों, मैं तरुण आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का भी पार्ट आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम करने वाले हैं भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो अपवाह तंत्र होता क्या चीज है ये हम देख लेते हैं। विभिन्न जो वाहिकाएं होती है ना, उनका एक जालनुमा संरचना। ठीक है, जैसे कि वाहिकाएं क्या हो गई, एक नदियां आ रही इधर से, विभिन्न जल स्रोत हैं। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिलता है और इनका जो जाल बनता है वही कहलाता है आपका अपवाह तंत्र, है ना। और ये जो अपवाह तंत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया जाता है। जैसे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो भारत का अपवाह तंत्र है उसको हम दो अलग अलग आधारों पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है ये है आपका हिमालय से निकलने वाली नदियां, या फिर इसी को बोलते हैं हिमालयी नदियां। ठीक है, ये जो मैं डिवीजन कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं उद्गम या फिर उत्पत्ति के आधार पे, है ना। तो जो सबसे पहला वो हो जाएगा आपका हिमालयीन या फिर हिमालय से निकलने वाली नदियां। ठीक है, और इसी में सेकंड हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुला जो प्लेटो है वहां से निकलने वाली नदियां। ठीक है, तो ये है किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, मतलब जो नदियां हैं या उनका उद्गम है कहां से होता है। तो कुछ नदियां हैं जो कहां से निकलेंगी, हिमालय से निकलेंगी, और कुछ जो नदियां वो कहां से निकलेंगी, प्रायद्वीपीय पठार से निकलेंगी। ठीक है, तो ये पहला डिवीजन है किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। अब इसी में हम आते हैं सेकंड डिवीजन, है ना। तो सेकंड डिवीजन रहेगा वो विसर्जन के आधार पे। विसर्जन मतलब जो नदियां हैं वो निकल तो गई, ठीक है, कहां से निकली डजंट मैटर, बट वो जाने के बाद आखिर कहां पे मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपने इंडिया का स्ट्रक्चर देखा है, ये इधर है आपका क्या, अरब सागर, और यहां पर है आपका बंगाल की खाड़ी, नीचे आपका इंडियन ओशन हिंद महासागर, है ना। ठीक है, तो जो नदियां निकल रही हैं, कुछ नदियां कहां पे मिलेंगी आपकी, अरब की सागर में जाके गिर जाएंगी, कुछ जो नदियां वो कहां पे जाके गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो इसके आधार पे यानी विसर्जन के आधार पे भी नदियों को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये कल की वीडियो में हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि जो भारत का जो मेन जल विभाजक है, जल संभर बोला जाता है, वो क्या चीज होता है, है ना। फिलहाल आज की वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो है हिमालय की नदियां। ठीक है, और प्रायद्वीपीय कुछ नदियां हैं जो कि हिमालय की जो मेन नदियां हैं उनकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में, मतलब आज हम करने वाले हैं उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, तो उत्तर भारत की नदियों में हम शुरुआत करेंगे हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियों को भी तीन मुख्य रूप से बांटा गया है, यानी तीन अपवाह तंत्र में बांटा गया है। सबसे पहला है, नंबर वन है सिंधु अपवाह तंत्र। देखिए, जगह थोड़ा सा कम है, आप लोग प्लीज इसको नोट करते चलिए, है ना। अगर साथ साथ अगर आप इसका वीडियो के साथ साथ अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो ठीक है। सबसे पहले आपका सिंधु अपवाह तंत्र, है ना। सिंधु अपवाह तंत्र में कितनी नदियां ये देख लेते हैं। ये दिख रहा है आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी खुद रहेगा, एक चीज याद रखना, जिस नाम से अपवाह तंत्र है, जैसे कि सिंधु अपवाह तंत्र उसमें सिंधु खुद शामिल रहेगा। फिर आएंगे गंगा अपवाह तंत्र, उसमें गंगा खुद शामिल है, और लास्ट है इसी का ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, मेजर कैटेगरी पहला क्या था, सिंधु अपवाह तंत्र, सेकंड है आपका गंगा अपवाह तंत्र, और थर्ड है आपका ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। चलिए सिंधु अपवाह तंत्र देखते हैं। इसमें सबसे पहली जो नदी है वो है सिंधु नदी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी का उद्गम मैं बार बार दो तीन वीडियोस में भी बता चुका हूं जब हम हिमालय पढ़ रहे थे। ठीक है, सिंधु नदी कहां से निकलती है, ये यहाँ पे तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर से निकल के ये बिल्कुल इंडिया में प्रवेश करती है, है ना। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है क्या, लेह। ठीक है, लेह के लेह शहर से बिल्कुल यहाँ से होते हुए बहती है, और किन दो श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है मैंने बताया था, एक है आपका लद्दाख और एक है आपका जास्कर। मतलब लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से कौन प्रवाहित होती है, सिंधु नदी, है ना। और यहां से ये प्रवाहित होते हुए ऊपर ये गिलगित होती हुई कहां चली जाती है, इधर से ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सिंधु नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, भारत में लेह शहर के पास से होकर गुजरती है, और ऊपर किन दो श्रेणियों के बीच बहती है, जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच बहती है, और गिलगित होती हुई ये पाकिस्तान में जाके मिल जाती है, और अंत में कहां पे गिरती है, ये अरब की सागर में गिरती है। ठीक है,
और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है और जब अरब सागर में गिरती है तो उसकी कुल लंबाई जो है वो है 2880 किलोमीटर। और अगर पूछे कि भारत में कितनी दूरी तक वो प्रवाहित होती है, तो भारत में जो प्रवाहित है वो है उसका जो लेंथ है 1114 किलोमीटर, 1114। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक समझौता हुआ था, क्या, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में। आपको सभी को पता है कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ था, ठीक है, उस समय तो क्या था, देखो जब पूरा भारत एक पार्ट तब तो कोई दिक्कत नहीं होता था, है ना, लेकिन जब डिवीजन हुआ तो क्या होता है, आप देखना राज्यों के बीच भी जल विवाद का जो मुद्दा आता रहता है वैसे दो राष्ट्रों के बीच भी आया, ठीक है। तो उसको सुलझाने के लिए यूएन की सहायता से 1960 में हमने क्या किया, एक सिंधु नदी जल समझौता, उसके अंतर्गत सिंधु अपवाह या सिंधु द्रोणी के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली नदियों का 20% जो भाग है वो कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा, और जो शेष भाग है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कौन, सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट नदी है वो है आपका झेलम, है ना। तो झेलम का आपको देखना, जब एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ते हैं उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, झेलम के किनारे कुछ लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे, है ना। तो जो झेलम नदी है वो कहां से निकलती है, यहाँ पे एक जगह है जम्मू कश्मीर में वेरी नाग करके एक झरना है, ठीक है, तो वेरी नाग वाले झरने से कौन सी नदी निकलती है, आपकी झेलम नदी। और झेलम नदी कहाँ से होके बहती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है श्रीनगर, ये मैंने स्टार मार्क करके बनाया है, ठीक है, जगह का इसलिए मैं वहां पे लिखा नहीं हूँ, आप लोग अगर मैप कर रहे हो तो प्लीज लिख लेंगे कौन सा जगह है, श्रीनगर। और यहीं पे एक झील है, बहुत ही फेमस झील है जिसका नाम है वुलर झील, है ना। तो ये कहाँ पे स्थित है, श्रीनगर के पास, झेलम नदी जो बनाती है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका चेनाब, है ना। तो जो चेनाब है वो देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो नदियां हैं वो एक अचानक से नहीं आ जाती, अलग अलग छोटी छोटी धाराएं होती हैं, है ना, छोटी छोटी धाराएं अलग से आके क्या होती है, किसी एक जगह पे आके मिलती हैं, उसके बाद वो नदी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अभी आगे हम देखेंगे गंगा है, ब्रह्मपुत्र वगैरह, ठीक है। तो क्या होता है कि दो छोटी छोटी धाराएं, उनको सरिता बोला जाता है, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा, तो मिक्स रूप में इसको और क्या बोल सकते हैं, चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है, किसको, चेनाब को, है ना। तो जो दो धाराएं कहीं पे आके मिलती है यहीं पे छोटे से जगह पे, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करता है वो, चेनाब नदी का। और चेनाब नदी कहां से होकर गुजरती है, जम्मू से, ये याद रखना। एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इसी पर भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेल पुल भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। फिर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका सिंधु हो गया, चेनाब हो गया, रावी नदी, है ना। तो जो रावी नदी है वो कहाँ पे निकलता है, पिछले वीडियो में मैंने दर्रा पढ़ाया था, तो उसमें मैंने एक दर्रा बताया था, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के पास एक छोटा सा जगह है, वहीं से क्या निकलता है आपका, रावी नदी, है ना। इस नदी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कहाँ से निकलती है और कहाँ पे ये प्रवाहित होती है। और एक चीज और, ये सारी जो नदियां हैं किधर बहती हैं, बिल्कुल इस ओर, यानी पश्चिम ओर बहती हैं, और कहां पे जाके मिल जाती हैं, अरब सागर पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका व्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है, सेम जहां पे रोहतांग दर्रा है उसके पहले एक जगह है जिसका नाम है मनाली, है ना, कुल्लू मनाली आसपास लगा हुआ है। और मनाली में एक जगह है जिसका नाम है व्यास कुंड। अगर आप मनाली घूमने गए होंगे तो देखना, रोहतांग पास के लिए या फिर शिलोंग वैली के लिए जब हम जाते हैं तो राइट साइड में एक जगह है, एक रास्ता गया है जिसको बोला जाता है व्यास कुंड, है ना। तो व्यास कुंड के पास से ये क्या निकलता है, व्यास नदी निकलती है, ठीक है। और जितने भी देखना व्यास नदी क्या है, बहुत ऐसे घुमा हुआ है, मतलब कुल्लू मनाली जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, व्यास नदी के किनारे स्थित है। और व्यास नदी थोड़ी दूर जाने के बाद, है ना, इसमें मिल जाती है अपनी जो नेक्स्ट मेन नदी है सतलज, उसमें मिल जाती है, ठीक है। फिर है देखते हैं लास्ट जो है सतलज। तो जो सतलज नदी है वो कहां से निकलती है, सतलज जो नदी है वो निकलती है आपका बिल्कुल मानसरोवर के पास एक जगह है जिसका नाम है राक्षस ताल। क्या बताया मैंने,
राक्षस ताल, ठीक है, जैसे ग्लेशियर है मानसरोवर, वैसे यहाँ पर एक जगह है राक्षस ताल, वहां से निकलता है और ये प्रवाहित होते हुए, अच्छा एक और चीज मैंने बताया था, जो सतलज नदी है वो किस दर्रे से प्रवाहित होती है, दर्रे वाले क्वेश्चन में, दर्रे वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, है ना, आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि वो कौन सा दर्रा है, ठीक है। तो उस दर्रे से प्रवाहित होते हुए हिमाचल प्रदेश से निकल कर ये इधर पंजाब में आके मिल जाती है। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सतलज नदी में एक फेमस बांध है, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, आपको पता होगा है ना, जो बहुत देसी परियोजना थी, ठीक है, तो उसके अंतर्गत बहुत ही पहले है ना, जब भारत आजाद हुआ था उसी समय इसको बनाया गया था, ठीक है। एक हाँ यहाँ पर मैं एक चीज बताना भूल गया था, पंचनद करके एक जो नदियां रहती हैं उसका नामकरण किया गया है, ठीक है, पंचनद या फिर उसी को बोलते हैं पांच आब, और वहीं से नाम बना है उस क्षेत्र का पंजाब। पंजाब को नहीं, से आप कंफ्यूज नहीं होना, पंजाब केवल भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा हिस्सा है, मतलब ये जो जिस क्षेत्र पे ये पांचों नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है, उस क्षेत्र को कहा जाता है पंजाब या फिर इसको बोला जाता है पंचनद। अब इन पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपका झेलम, सेकंड नंबर पे चेनाब, थर्ड पे रावी, चौथे नंबर पे व्यास और पांचवे नंबर पे है सतलज, ठीक है। सिंधु नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि सिंधु नदी बहुत ऊपर बहती है और अलग से आके ये गिरती है, ये पांचों की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली और उसमें सिंधु को भी ऑप्शन में दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंधु के अलावा जो पांच नदियां मिल रही है कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है, तो ये पंच नद में आते हैं और इसी के नाम पर क्या बना है, पंजाब, ठीक है। तो ये हुआ सिंधु अपवाह तंत्र, मूव करते हैं हम लोग गंगा अपवाह तंत्र की ओर, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था जो गंगा नदी है वो कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है ना, गोमुख के किनारे है यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर। अब एक चीज याद रखना, जो गंगा है वो डायरेक्ट जब निकलती है तो गंगा नहीं बोला जाता उसको, है ना, जब वो गंगोत्री से निकलती है तो उसका नाम रहता है क्या, ये आपका है गंगोत्री, सपोज है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा आपका गंगोत्री, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे छोटा सा एक जगह है बद्रीनाथ, है ना। तो गंगोत्री से जब निकलती है तब इसका नाम है, इसको बोला जाता है भागीरथी, और यहाँ पे बद्रीनाथ के पास एक छोटा सा ग्लेशियर है, वहां से जब निकलता है तब इसको बोला जाता है अलकनंदा, ठीक है, याद रखेंगे, गंगोत्री से निकलती तब बोलते हैं इसको भागीरथी, और यहाँ पे बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है वहां से निकलता है उसको बोला जाता है अलकनंदा, ठीक है। और ये दोनों कहां पे आके मिलते हैं, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूं इस जगह का नाम है देवप्रयाग, क्या नाम है इस जगह का, देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब आता है दोनों धारा, कौन कौन सा, ये है भागीरथी और ये दिख रहा है ये है आपका अलकनंदा, ठीक है, जब दोनों देवप्रयाग में आते हैं तब ये आगे जाके क्या बनता है, यहाँ पे गंगा, ठीक है, और देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे जाने पर क्या मिलता है हमको, हरिद्वार, वहीं पे हरि की पौड़ी भी है ना, और हरिद्वार से जब नीचे जाती गंगा तब वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कहां पर या किस स्थान पर आने पर है ना जो इस नदी का नाम है वो गंगा होता है, तो कौन से स्थान पर, देवप्रयाग पर, ठीक है, और किस स्थान से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो किस स्थान से, हरिद्वार से, ठीक है। इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर एक और नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी। जैसे गंगा नदी है वो दो अन्य धाराओं से मिलकर बनती है, बिल्कुल वैसे ही जो यमुना है वो भी किन्हीं दो अन्य धाराओं से मिलकर बनती है, ठीक है, गीर और टांस करके दो धाराएं हैं, फिर से बता रहा हूँ, गीर और टांस करके, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, अभी हाल ही में इसी साल जनवरी में है ना, जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, हिमाचल वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, हिमाचल वाला मतलब हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये बॉर्डर है वहां पे, ठीक है, मेन मुख्य रूप से चार राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, और यहां पे आपका दिल्ली और इधर लगा हुआ है राजस्थान। तो जो छह राज्य हैं याद रखिएगा, है ना, मेन जो जगह है जहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जहां पे मिल रहा है वो है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और चूंकि अपवाह क्षेत्र मैंने बताया था, अपवाह क्षेत्र में क्या था, उससे रिलेटेड जो और भी नदियां वो भी शामिल होती, इसीलिए दिल्ली को और राजस्थान। तो इन छह राज्यों के मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी के बीच एक बैठक हुई जिसके तहत एक समझौता हुआ है ना, और एक बांध बनाने का निर्णय लिया गया जिसका क्या नाम है, रेणुका जी बांध। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। इन नदियों पे अगर पूछेगा तो यमुना की सहायक नदियां या फिर जिससे यमुना बनती है, कौन कौन सी, गीर और
टॉन्स करके, ठीक है। और ये बिल्कुल गंगा के पैरेलल बहती हुई जाती है और कहां पे मिलती है, प्रयागराज, है ना। नाम इलाहाबाद भी बोल सकते हो, प्रयागराज भी बोल सकते हो, जो ऑप्शन मिलेगा आपको देना है, वैसे नाम चेंज कर दिया गया इसका प्रयागराज, ठीक है, दोनों नाम मैं बता देता हूँ, ठीक है। यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि ये चंबल आती है, ये सिंध, देखो सिंधु अलग है और सिंध अलग है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सिंधु नदी ऊपर है, सिंध इसकी यमुना की छोटी सी सहायक नदी है ना। चंबल नदी कहां से निकलती, मैंने बताया था जब प्रायद्वीपीय पठार कराया था, तो मालवा की जो पठार है मऊ करके एक जगह है, वहां से चंबल नदी निकलती है। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण, एक है आपका महाराणा प्रताप सागर और एक है आपका गांधी सागर, है ना। तो यहाँ पे दो इसकी परियोजना है, यहाँ पे चंबल नदी पे, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बेतवा नदी है, सिंध है, चंबल है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं, है ना। उसी तरह से गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो है शारदा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी, ये सब कहां से आती है, उत्तर से आती है। उत्तर मतलब ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो नेपाल वाले क्षेत्र से आती हैं, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। शारदा को काली नदी, सॉरी काली गंगा भी बोला जाता है, काली नदी अलग है, काली गंगा अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, शारदा, ठीक है। ये कहां से निकलती, कुमाऊं वाले क्षेत्र से निकलती, मैंने हिमालय का डिवीजन पढ़ाया था उसमें इसको बोला जाता है, ये वाले क्षेत्र को कुमाऊं डिवीजन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कोसी नदी है इसको क्या बोला जाता है, बिहार का शोक, है ना, ये क्वेश्चन आता है ना, क्या बोलते हैं, बिहार का शोक, ठीक है। अब एक देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र के, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ये दिख रहा है ऊपर वाला, ठीक है। इसको तिब्बत में बोला जाता है चेमायुंगडुंग, है ना, ये याद रखेंगे आप, सॉरी जो शिखर है उसको बोला जाता है चेमायुंगडुंग, और इस नदी को बोला जाता है सांगपो, जहां से निकलता है उस ग्लेशियर को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं चेमायुंगडुंग, ठीक है। और जो नदी है तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो, है ना। और जब ये कहां से प्रवेश करती, मैंने बताया था नामचा बरवा करके एक जगह है, ठीक है, वहीं के पास में, और यहाँ पे एक दर्रा है, तो ये दर्रे का भी आप लिख के बताएंगे कमेंट में कौन सा दर्रा है, दर्रे वाले पोर्शन में मैंने करा दिया था, ठीक है। तो ये यहां से प्रवेश करती है, और जब प्रवेश करती है तब हम इसको बोलते हैं दिहांग, ठीक है। और यहां से जब इसकी सहायक नदियां इसमें मिलती है तब इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है फरक्का, तो फरक्का के पास यमुना, सॉरी गंगा है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो नीचे आता है उसको कहा जाता है हुगली, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है पद्मा, ये चीज आप याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में एक जगह है, है ना, जिसका नाम है आपका फरक्का, वहां पे जब यमुना नीचे आती है तब उसको कहा जाता है हुगली, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको कहा जाता है पद्मा। उसी प्रकार जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको कहा जाता है जमुना, याद रखेंगे यमुना अलग है जमुना अलग है, ठीक है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे प्रवेश करती तो इसको कहा जाता है जमुना, और जब ये दोनों धाराएं, मतलब ये पद्मा हो गया और ये जमुना, जब दोनों एक साथ मिल जाती तब इसको कहा जाता है मेघना। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे फरक्का करके जगह है, वहां से जो गंगा नदी है दो पार्ट में डिवाइड होती है, जब नीचे की ओर आती है तो उसको कहा जाता है हुगली नदी, जब बांग्लादेश की ओर जाती है तब उसको कहा जाता है पद्मा नदी, ठीक है। सिमिलरली जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसको कहा जाता है जमुना, और जब जमुना और पद्मा दोनों आपस में मिल जाते हैं तब उसको कहा जाता है मेघना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो के लिए केवल इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे दक्षिण भारत की नदियां और कुछ वाटरवेज हैं जो इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन में आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।